दोस्तों, आज हम आपके सामने अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं एक गैस तंदूर। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, साथ ही साथ इसका रिव्यू भी करेंगे। तो आइए इसे ओपन करते हैं बॉक्स को। इसे हमने फ्लिपकार्ट से मंगाया है। इस बॉक्स को हम पहले ही खोल चुके हैं, तो इसे मैंने दोबारा बॉक्स में डाल दिया था, तो इसको मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये इस प्रकार से है। ये अरिहंत कंपनी का है। ये इसका ढक्कन है ऊपर से। ये इसके साथ एक चिमटा मिला था स्मॉल साइज का। ये इसके साथ एक हैंडल है। ये इसके ऊपर से एक जाली है और ये इसका बेस है। इस डिब्बे को हम साइड करते हैं। ये देखिए, ये आइटम है इसके साथ जो हमें बॉक्स में मिले हैं। आइए अब इसका डिटेल में स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। इसमें देखिए, दो साइड से ये प्लास्टिक के हैंडल हैं जिससे आपको पकड़ने में, मूव करने में आसानी होगी। और इसके अंदर ये नट से, नट बोल्ट से एक हार्ड मेटल की, लोहे की है शीट यहाँ पे लगाई गई है, जो कि नीचे से गैस जलता है। इसे हम इसको इस प्रकार से गैस के ऊपर रख देते हैं। प्रकार से इसमें गैस के ऊपर रखने से पहले हमें ये स्टैंड हटाना होता है। स्टैंड को हटा के इस प्रकार से हम गैस के ऊपर आराम से रख देते हैं। ये हैंडल है, आप जब ये गर्म हो जाता है उसके बाद आप इसको हैंडल से पकड़ के हटा सकते हैं गैस से। और फिर देखिए, ये चिमटा हम रख देते हैं और ये हैंडल जो है इसको यहाँ पर इसके कैप के ऊपर कसा जाता है। इसमें नट लगा हुआ है, यहाँ पर चूड़ी है, इसको इसके अंदर इस प्रकार से हम कस देते हैं। देखिए, ये पूरा अच्छे से कस दिया है। अब इसको हम यहाँ से पकड़ के उठाएंगे तो हाथ हमारा गर्म नहीं होगा जब ये गर्म हो जाता है। इसको इसके ऊपर से इस प्रकार से रखा जाता है। और ये जाली है, इस जाली को इसके अंदर इसकी हाइट मेंटेन करने के लिए यहाँ पर इसको लगाया जाता है। अब ये इस प्रकार से जाली लगने के बाद आप यहाँ से गैस ऑन करते हैं और ये नीचे से जो है, नीचे वाली जो मेटल शीट है वो गर्म होती है और उसमें से सेक निकलता है। और इसके बाद ये जाली है, इस पर आप अपना कोई भी जो आइटम आप बनाना चाहते हैं, इसमें हमने इसके अंदर हमने बिस्किट्स बना के भी देखे हैं, इस पर हमने केक बना के भी ट्राई किया है। जस्ट लाइक ओवन, इसमें सब कुछ बन जाता है ईजली। और ये इसका कैप है, इसको कोई भी आइटम हम इसके अंदर रख के, बर्तन को रख के, या जैसे मैं आपको एक सैम्पल के लिए मैं आपको देखिए दिखाता हूँ कि बर्तन रख के दिखाता हूँ, इसके अंदर हम गैस के ऊपर केक बनाना चाहते हैं तो इसमें हम अपना आइटम रख के इस बर्तन को इस प्रकार से रख देते हैं और इस प्रकार से कैप लगा देते हैं। उसके बाद इसको इस पे जब आधा घंटा रखना पड़ता है इसको लगभग, इसके अंदर हीट जब जनरेट होती है तो इसमें पूरा कई सारे आइटम्स बनते हैं। इसके मैनुअल इसके साथ में मिली थी एक, उस पर काफ़ी सारे आइटम दिखाए थे। कुछ लोग इसमें केक बनाते हैं, कुछ लोग बिस्किट भी बना सकते हैं, कुछ लोग इसमें वो बाटी होती है, इसको बाटी मेकर भी बोला जाता है और इसको गैस तंदूर भी बोला जाता है। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।
धन्यवाद।